आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह चोर को गिरफ्तार कर किया पर्दाफाश, लाखों के जेवर व नगद बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्र अधिकारी अयोध्या के पर्यवेक्षण में अयोध्या प्रभारी देवेंद्र कुमार व स्वाट टीम प्रभारी रतन शर्मा की टीम को चोरों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने काशीराम कॉलोनी अयोध्या के पास से किया गिरफ्तार। पकड़े गए चार साथियों चोरों के पास से 10 लाख के जेवर व 33,000 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने बताया कि प्रयागराज से अयोध्या एक परिवार अयोध्या सरयू पुल पर 12 दिसंबर को अपनी कार खड़ी करके घूमने गया था। इस दौरान चोरों ने कार का शीशा तोड़कर 10 लाख के जेवर व नगदी रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी विवेचना करते हुए पुलिस को चोरों को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। पकड़े गए चोरों की पहचान रहीमुल अंसारी पुत्र इब्राहिम अंसारी निवासी बिहार के सीतामढ़ी, उपेंद्र सोनी पुत्र मिश्री लाल थाना हरैया बलरामपुर, रोहित पांडे पुत्र मृदुल पांडे थाना हरैया बस्ती, शिखर मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा थाना हरैया बस्ती के रूप में हुई। बारह दिसंबर को थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक कार का शीशा तोड़ के उसमें रखा हुआ बैग अपराधियों ने चुरा लिया था। उस बैग में भारी मात्रा में आभूषण और कैश उसमें रखा हुआ था। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एसपी सिटी, एएसपी, सीओ अयोध्या, सीओ, सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीमें गठित हुई, स्क्वाड टीम और कोतवाली अयोध्या की टीम ने इसमें सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया। इस गैंग के चार सदस्य